अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन इन एंजॉयिंग योर टाइम एट होम। माय नेम इज़ सायरा अलीम एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट ब्रॉडवे वर्कबुक। यस, विच इज़ पेज नंबर 16 and 17। द ट्रीज एंड द एग्स, यूनिट नंबर 3, द ट्रीज एंड द एग्स। फर्स्टली मेंशन होमवर्क, Wednesday 19/8 date। You see a man sitting here। आप ये आदमी देख रहे हैं। स्टोरी इसी आदमी के बारे में है जिसके पास आप एक मेटल ब्लेड पड़ा हुआ देख रहे हैं, लेकिन उस मेटल ब्लेड का हैंडल नहीं है। अगर उस मेटल ब्लेड के साथ हैंडल लग जाएगा तो वो एक एक्स बन जाएगा जी। लेकिन मैं भी आपको पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगी, आपको स्टोरी में आगे कंटिन्यू करके जब मैं पूरी स्टोरी बता दूंगी उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कि स्टोरी असल में थी क्या। वंस अ मैन डिसाइडेड टू मेक अ वुडन हाउस। एक दफ़ा एक आदमी ने फैसला किया वुडन हाउस बनाने के लिए। आई अंडरलाइन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स फॉर यू। Decided, फैसला किया, wooden house, लकड़ी का घर। He wanted to cut down some trees to make the house, but he could not use his axe. Axe means कुल्हाड़ी, because it has no handle. Handle नहीं था उसका, यहाँ पकड़ने की जगह, handle यहाँ कहते हैं, यहाँ पकड़ने की जगह को handle कहते हैं। तो उसने फैसला किया कि वो अपना एक घर बनाएगा, लेकिन उसके पास कुल्हाड़ी नहीं थी, लेकिन उसके पास क्या था, metal blade पड़ा था। कुल्हाड़ी किससे बनती है, जब उसका हैंडल उसके साथ लग जाता है तो फुल फिर उसकी कुल्हाड़ी बनती है। आपने वीडियो के अंदर देखा होगा कि मैंने आपको एक्स भी एक्सप्लेन किया हुआ है, ट्रीज़ ऑन हिल्स भी दिखाई हैं, और मैन के साथ जो ये वाला ये मेटल ब्लेड और नो हैंडल है ये भी मैंने आपको मेंशन किया हुआ दिखाया हुआ है कि पिक्चर के अंदर ये नहीं शो हुआ, लेकिन मैंने आपको पिक्चर में शो करवाया हुआ है। So he went to the top of the hill, pahadi, where there were many trees. He said to them, may I take a tree from the hill? वो पहाड़ी के ऊंचाई पे गया और उसने पूछा पहाड़ी से, क्या मैं तुम्हारे ऊपर से तुम्हारे से दरख्त उतार सकता हूँ या दरख्त ले सकता हूँ? मूव ऑन टू पेज नंबर 17। पेज नंबर 17। फर्स्टली मेंशन होमवर्क 19/8 डेट एंड वेनसडे। बट ही डिड नॉट टेल देम व्हाई ही वांटेड अ ट्री। मगर उसने उन्हें नहीं बताया कि उसे दरख्त क्यों चाहिए था। द ट्री सेड टू वन एंड अदर, लेट्स गिव हिम अ लिटिल ट्री, देन ही विल गो अवे एंड नॉट आस्क। आस्क पूछेगा, आस्क मीन्स पूछेगा अस फॉर एनीथिंग एल्स। दरख्तों ने फैसला किया कि हम उसे एक छोटा दरख्त दे देते हैं, लिटिल ट्री दे देते हैं, और फिर वो हमसे दोबारा इस कोई भी दरख्त लेने के बारे में नहीं पूछेगा। सो दे गेव हिम अ लिटिल ट्री एंड द मैन वेंट होम। When he got home, he made a handle for his axe. जब उन्होंने छोटा दरख्त दे दिया, जो दरख्त थे हिल्स के ऊपर उन्होंने छोटा दरख्त दे दिया, वो घर गया और घर जाके उसने उसके पास जो मेटल ब्लेड पड़ा था उसके साथ उसने हैंडल जोड़ा, और हैंडल जोड़ के उसने प्रॉपर अपना एक्स मेड कर लिया जो कि कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी बना ली। Then he went back to the hill with the axe. He began to cut down the trees. वो फिर पहाड़ी के ऊपर वापस गया, हिल के ऊपर वापस गया, पहाड़ी के ऊपर वापस गया, और उसने कुल्हाड़ी के साथ जो है दरख्त काटना स्टार्ट कर दिए। We made a mistake. हमसे तो गलती हो गई। If we had not let him have the little tree, he could not have cut us. अगर हम उसे वो छोटा दरख्त ना देते आदमी को तो हमें ना काट पाता। The trees said to one another, एक दूसरे से दरख्तों ने बात की, but it was too late. Too late means बहुत देर हो चुकी थी to stop the man, उस आदमी को रोकने में।
So, my dear kids, do you understand the story? Yes or no? क्या आपको पता चल गया कि उस आदमी को अपने घर बनाने के लिए दरख्तों से किस चीज़ की ज़रूरत थी, और दरख्तों ने उस उनको क्या उनसे चाल चली आदमी से, और उसके बदले में दरख्तों के लिए ही गलत साबित हुआ, क्योंकि आदमी को तो घर ही बनाना था, लेकिन लिटिल ट्री दे के उन्होंने अपने लिए ही बुरा कर दिया। क्योंकि लिटिल ट्री जब उन्होंने दिया उस आदमी को, तो उस आदमी ने एक्स बना ली, और जब एक्स बना ली तो उससे ट्रीज़ की कटिंग स्टार्ट कर दी, और जब ट्रीज़ को कट करना स्टार्ट कर दिया तो दरख्तों से उसने अपना वुडन हाउस बनाना था। सो आपको ये वाली स्टोरी अच्छे से समझ आ गई? वेरी गुड। लर्न टू रीड। द मैन वॉन्टेड टू कट डाउन सम ट्रीज़। आदमी जो था वो कुछ दरख्त काटना चाहता था। ए, टू मेक एन एग्स, कुल्हाड़ी बनाने के लिए। टू मेक अ हाउस, घर बनाने के लिए। येस यू आर राइट, आई विल टेक इट हेयर। घर बनाने के लिए वो दरख्त काटना चाहता था। टू, हु डिड ही आस्क फॉर अ ट्री, किससे उसने मदद मांगी दरख्त की। ए, द हिल, पहाड़ी से। बी, द ट्रीज ऑन द हिल, पहाड़ी के ऊपर जो दरख्त से उनसे मांगी। यू हैव टू डू इट बाई योर सेल्फ। थ्री, डिड द मैन टेल द ट्रीज वाई ही वॉन्टेड अ ट्री, क्या उस आदमी ने दरख्तों को बताया था कि उसे दरख्त की ज़रूरत क्यों है। येस और नो, राइट इट हियर। फोर, द ट्रीज गेव द मैन अ लिटिल ट्री, दरख्तों ने आदमी को एक छोटा दरख्त दिया, सो दैट ही वुड नॉट आस्क फॉर एनीथिंग एल्स, ताकि वो इसके अलावा उनसे कोई और चीज़ ना मांग सके। ट्रू और फॉल्स, राइट इट हियर। फिफ्थ वन, द मैन यूज द लिटिल ट्री, आदमी को छोटे दरख्त की ज़रूरत थी to make the handle for his ex, अपने ex के लिए handle बनाने के लिए, और to make a house from the ex, या घर बनाने के लिए, कुल्हाड़ी से अपने घर बनाने के लिए। Sixth, the tree stopped the man from cutting them down, दरख्तों ने आदमी को मना कर दिया कि हमें मत काटो। True or false? Yes, true or false, write it here. So today's lecture is over. I hope you can understand. Thank you so much.